एताद्धि एवाक्षरम् ब्रह्म एतादेवाक्षरम् परम् एतादेवाक्षरम् ज्ञात्वा जो यद् इच्छति तस्य तत् एतद्धि एवाक्षरम् ब्रह्म एतादेवाक्षरम् परम् एतादेवाक्षरम् ज्ञात्वा जो यद् इच्छति तस्य तत् गौड़ीय गोष्ठीपति गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए अहंकार अर्थात स्वतंत्रता परित्याग करके प्रणतो अर्थात शरणागत होने का नाम ही नम। जो मंत्रों में जो नमो शब्द आता है, मंत्रों में जो नमो शब्द आता है, ये नमो शब्द का अर्थ क्या है प्रभुपाद बता रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं अहंकार अर्थात स्वतंत्रता परित्याग करके प्रणतो अर्थात शरणागतो होने का नाम है नम। अर्थात अपना अंतर से संपूर्ण रूप से अभिमान को विदा देना, विदा करना, इसका नाम है नम। हे गुरुदेव, हे कृष्णो, आज से मैं आपका हूँ, आपका सेवक हूँ। आप कृपा करके मेरे को ले चलो, चलाओ, सेवा में नियुक्त करो। आज से मैं अपना कर्तृत्व अभिमान अर्थात अहंकार को त्याग दिया। आपका आदेश, निर्देश, उपदेश हमारा जिंदगी में एकमात्र ध्रुव तारा का मापिक, नियामक, नियामक बन के रह जाए हमारा जिंदगी में। आपका आदेश, निर्देश जो कुछ भी है वो मेरा जिंदगी में, मैं इसको ध्रुव तारा का मापिक अपना जिंदगी में हृदय आकाश में रख देंगे, यही मेरा प्रार्थना है, यही मेरा प्रार्थना है आपका चरण में, और कुछ नहीं है। मेरा जिंदगी में यही प्रार्थना है। मैं कर्ता, मैं भोक्ता, मैं दृष्टा, मैं पालक, ये सब जड़ अभिमान परित्याग करने का नाम है नमस्कार। इसका नाम है नमस्कार। और मैं कर्ता, ये दुर्बुद्धि, ये दुष्ट विचार से गुरुपाद पद्मों का कृपा से हट जाने से तब आगे चलकर वास्तविक दीक्षा व दिव्य ज्ञान, वास्तविक दीक्षा व दिव्य ज्ञान, वास्तविक दीक्षा व दिव्य ज्ञान हो सकता, नहीं तो दिव्य ज्ञान होने का कोई चांस नहीं है। जब तक ब्रह्मा जी ने अपना
अंदर में जितना सारे संशय संदेह अभिमान बचा के रखा था तब तक कुछ नहीं हो पाया। जब आगे चलकर ब्रह्मा जी ने बताए गैने प्रयास मुदपाश्य नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतम भवदीय वार्ताम सने स्थिता सुतिगताम तनुवांग मनोभीर जे प्रयास अजीतो जीतोपियोपि जीतोपियोशी तो स्त्रीलोख्या। भगवान तब अपना शरण में लेते हैं, उसका पहले लेते नहीं, अपना शरण में लेते नहीं, किसी को शरण में आना चाहे वास्तविक रूप से तब लेते हैं। गुरुपाद पद्म कृपा के द्वारा जितना दुष्ट बुद्धि सारे खत्म होने से अभिमान आगे चलकर मेरा वास्तविक दीक्षा व दिव्य ज्ञान का उनमें सोना संभव है। कृष्ण प्रेष्ठ गुरुदेव जब तक प्रकट लीला में हैं उस समय तक गुरु जी का विश्रम्भ सेवा के द्वारा सिद्धि लाभ करना ये बुद्धिमत्ता का काम है। ही इज एक्चुअली इंटेलिजेंट, ये वास्तविक बुद्धिमत्ता का परिचय है। गुरुदेव प्रकट रहने क्योंकि गुरुदेव जब तक प्रकट रहे तब तक बहुत इजी है, हमारा साथ बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है गुरु जी प्रकट समय में, ये उचित है। गोपाद कहते हैं कृष्ण प्रेष्ठो गुरुपाद पद्मो प्रकट रहने तक अगर विश्रम्भ माने एकबारे अंतरंग सेवा विश्रम्भ सेवा का द्वारा सिद्धि लाभ करना ये बुद्धिमानी का काम हो। किंतु यही अतिमर्त्य गुरुपाद पद्म किंतु यही अतिमर्त्य से गुरुदेव गुरुदेवे जब तक हम प्रीतिविशिष्ट नहीं होता प्रीतिविशिष्ट जब तक नहीं होते तब तक सिद्धि लाभ करना संभव नहीं है। गुरुपाद पद्म को अपना हृदय तन मन धन गुरुपद अर्पण सब करके गुरुपाद पद्म के हृदय का देवता मेरा हार्ट एंड सोल हृदय का देवता समझकर हृदय देखे यदि अगर सम्यक रूप से निष्काम भाव से इनके सेवा नहीं कर पाते तो निश्चित रूप में मैं वंचित हो गया, मैं वंचित निश्चित रूप में यही का नाम इसी का नाम है वंचित होना। वंचितोस्मी 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 न संशय मैं वंचित हो गया अगर नहीं कर पाया। हृदय गुरुपाद पद्म को हृदय देवता समझकर अगर समग्र रूप में निष्काम सेवा करके गुरु जी को रिझा नहीं सके संतुष्ट नहीं कर पाते तो निश्चित रूप में मैं वंचित हो गया। मेरा एकमात्र रक्षक है, एकमात्र उद्धार करता है कर्ता, एकमात्र निरुपाधिक बांधव दोस्त बंधु जो मेरा मंगल के लिए हित मेरा हित के लिए लगे हुए हैं गुरुपाद पद्म, हमारा एकमात्र रक्षक रक्षक पालक एकमात्र उद्धारकर्ता एकमात्र निरुपाधिक बांधव ये गुरुपाद पद्म को प्राप्त होने के बाद भी हम ये संपत्ति खो दिया। गुरु जी इतना सुविधा
इतना कुछ प्राप्ति होने का बावजूद मेरा तकदीर बहुत खराब है, ऐसा मापिक प्राण बंधु गुरुपाद पद्मो इनको प्राप्ति होके भी मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरा तकदीर खराब है, सब खो गया, ऐसा ही मेरा दुर्दैव है, तकदीर मंद है। मैं सुरधनी, सुरधनी मतलब गंगा, सुरधनी, मैं सुरधनी का निकट आया पानी पीने के लिए, फिर उल्टा रास्ता में चला गया, रेगिस्तान का ओर दौड़ लगाए, सुरधनी का निकट आकर अपना प्यास बुझाने के लिए आए पानी और संग्रह के लिए, फिर उल्टा हो गया, फिर रेगिस्तान का ओर दौड़ना शुरू किया। ये अमल्य रत्नों, ये अमल्य रत्नों का संध्यान ठिकाना मिलने का बावजूद मैं दुनियादारी का चीज, एट्रैक्टिव माया देवी का जो भड़काव में आ गया मैं, ये संसार का मनोहारी दुकान में शीशे का टुकड़ो देखने में बड़ा चिकचिक है, इसी का पीछे मैं भागना शुरू कर दिया। इतना बड़ा संपत्ति, इतना बड़ा ज्वेल प्राप्त होने का बावजूद मैं उल्टा रास्ता में चलना शुरू कर दिया। हाय सर्वनाश, जो लोग वास्तविक बुद्धिमान वो लोग निष्कपट और अन्नाभिलाष शून्य होकर गुरुपाद पद्म में पूर्ण अनुगतमय जीवन यापन करके दृढ़ संकल्प हो जाए, नहीं तो ये लोगों को भी वंचित होना पड़ेगा, रास्ता कुछ खोला नहीं है। जो मंत्रो वही गुरु है, जो मंत्रो वही गुरु है, जो गुरु है वही हरि है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, वही गुरु है, इसमें कोई शक नहीं है, वही गुरु है। लेकिन मेरा तकदीर खराब है, कुछ समझ नहीं पाए। याद है ब्रह्मा जी अपने को आविष्कार किया, भगवान का नाभि कमल से निकाले हुए पद्म में, और चारों ओर अंधेरा 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 छा रहा है, देख के बड़ा घबरा गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, न भगवान का जो शक्ति है, बाक शक्ति सरस्वती और प्राकृत वैकुंठ जगत का, इनके द्वारा एक मंत्र प्राप्त हुए, और इसके बाद बोले ये आप इसी मंत्र को जप करो, उवाचो पुरहस्तस्मै तस्य दिव्या सरस्वती काम कृष्णायो गोविंद गोविंद ये गोपीजनो इति अपि बल्लवायो प्रिया बन्हेर मंत्रम ते दशति प्रियम। अब ये मंत्र को आप जपते चलो, अष्टदशाक्षर मंत्रराज, इसी के द्वारा आपका मंगल हो जाएगा। बल्लवायो प्रिया वन्नेर मंत्रम ते दशति प्रियम, आपका मंगल हो जाएगा। और इसके बाद आदेश, आदेश क्या,
एक आदेश सुनाई पड़ा, तपस्तम तप एतेन तपो सिद्धिर भविष्यति। इसी मंत्र के द्वारा तपस्या करो, तपस्तम तपो एतेन तपो सिद्धिर भविष्यति। अथो उसका बाद हमने चर्चा कर दिया, अथो तेपे स सुचिरम प्रणन गोविंदमव्ययम श्वेतद्वीपपतिम कृष्णम गोकुलस्थम गोलोकस्थम परात्परम। क्या बताए? अथो तेपे स सुचिरम, अथो तेपे स सुचिरम प्रणन गोविंदमव्ययम श्वेतद्वीपपतिम कृष्णम गोलोकस्थम परात्परम। प्रकित्वा गुण रूपिण्या रूपिण्या पूर्जुपासितम सहस्रदल संपन्ने कोटि किंजल कुबिन्हिते भूमिश्चिन्तामणिस्तत्रु कर्णिकारे महासने समासीनम चिदानंदम ज्योति रूपम सनातनम शब्द ब्रह्ममयम वेणुम वादयंतम मुखाम्बुजे विलासिनी गणवृतम शयी शयी रंगशयी रविष्टुतम। ये सब चर्चा हो गया था, फिर भी मैं बोल रहा हूं। ब्रह्मा जी इसी गोविंद जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत दिन तक शतद्वीपति गोलोकस्थ कृष्ण का तपस्या करने लगे, जो मंत्र मिला था मंत्र जपने लगे। और इसका ध्यान कैसा है? ध्यान ध्यान में मेडिटेशन, मेडिटेशन क्या है ना, मेडिटेशन मेडिटेशन के बारे में आगे बताएंगे। कैसे? चिंतामणि भूमि, चिंता चिंतामणि भूमि है और इसमें सहस्र दल संपन्न कोटि केसर द्वारा संवर्धित एक पद्म अवस्थित है। ये पद्म फूल का कर्णिकारे मिडिल पोजीशन में एक महासन महाआसन विद्यमान विद्यमान महाआसन विद्यमान। तदुपरि चिदानंद ज्योति रूप सनातन श्री कृष्ण समासीन, इनके मुखारविंद में शब्द ब्रह्म मय शब्द ब्रह्म मयम वेणुम सुगीत होते एवं ये विलासिनी गोपीगण के द्वारा परिवेष्टित सेवित हो रहा है। और ये गोपी क्या है? निजो निजो अपना अपना अंश विलास रूप परिकर गणों के द्वारा अभिष्टुतो, अपना अपना निज निज अंशो विलास रूप परिकर गणे के परिकर गणों के द्वारा अभिष्टुतो। इसी उपासना उपास्य वस्तु, इसी उपास्य वस्तु को गुणमयी रूपधारिणी प्रकृति बाहर रह के, बाहर बहुत दूर रह के उपासना कर रही है। तात्पर्य जो बताया था, ध्यातो वस्तु संपूर्ण चिन्मय है, जो वस्तु को ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं वो संपूर्ण रूप में चिन्मय है। ध्यान धाता ध्यान, ध्यान धाता और ध्येय वस्तु तीनों चिन्मय होने से तब आगे चलकर काम हासिल होता है। ध्याता ध्यान ध्याता ध्येय ये होने से तब होता है। ध्यातो विषय
यद्यपि संपूर्ण चिन्मय फिर भी अपना रजोगुण स्वभाव वसुतो गुण रूपिणी अथवा सतरजतमो गुण रूपिणी दुर्गादि रूप धारिणी अपरा शक्ति माया पूज्य भावे कृष्ण के ध्यान कर रही थी। ध्यात वस्तु यद्यपि संपूर्ण चिन्मय तथापि अपना रजतम स्वभाव वसतो गुण रूपिणी अर्थात सतरजतम गुण रूपिणी दुर्गादि रूप धारिणी अपराशक्ति माया पूज्य भाव में पूज्य भाव लेकर कृष्ण का मेडिटेशन ध्यान में लगे हुए हैं। एक बात तो पक्का है, जहां हृदय में जड़काम विराजमान है, जहां हृदय में जड़काम विराजमान है वहां माया देवी उपास्य तत्व बनती है हमारा सामने। जहां हृदय में जड़काम विराजमान है, जहां हृदय में जड़काम विराजमान है वहां माया देवी का उपास्य तत्व, जहां हृदय में जड़काम है वहां माया देवी का उपास्य तत्व पूजनीय। अर्थात माया देवी जिनके भजन करती है भगवान का चरण, जहां हृदय में जड़काम है वहां माया देवी का उपास्य तत्व, माया देवी का उपास्य तत्व ही पूजनीय। फिर भी माया देवी का पूजा जहां हृदय में जड़काम है वहां वहां माया देवी का उपास्य तत्व पूजनीय। और कामना वासना नहीं है तो फिर भी वो तो जो हमको जो भागवत जी महापुराण का श्लोक में आता है ना, अकाम सर्वकामो बा मुक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जयेत पुरुषम परम, ये बताया अकाम सर्व काम बा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जयेत पुरुषम परम। कई जहां हृदय में जड़काम है वहां माया देवी को पशु तत्व पूजा करना चाहिए। आज कोई कामना वासना नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी भगवान का ही भजना करना चाहिए। अकाम हो सर्व काम हो मोक्ष काम हो उदार दी तीव्र तीव्रेण भक्ति योगे न जय तो पुरुषम परम, यही भागवत वाक्यों का अर्थ है, यही है, यही भागवत श्लोक का यही भागवत श्लोक का अर्थ ये है कि यद्यपि भगवत विभूति रूप दूसरा देवता लोग कभी कभी मेरा ऊपर संतुष्ट होकर कोई कोई विशेष फल दाता है, क्योंकि आधिकारिक देवता क्योंकि आधिकारिक देवताओं में भगवान के द्वारा दिया गया जो ताकत है शक्ति है, आधिकारिक देवताओं में जब वर देने का जो ताकत है ये भगवान से ही मिला। इसलिए
भगवत विभूति रूप दूसरा देवता लोग कभी कभी कोई विशेष फल देने के लिए समर्थ है, फिर भी तथापि बुद्धिमान व्यक्ति वो सब देवता लोगों को पूजा ना करे, पूजा ना करे। बुद्धिमान व्यक्ति उसी सब देवता लोगों को पूजा ना करे, सर्व फल प्रदान शक्ति विशिष्ट परमेश्वर भगवान में ही सुदृढ़ भक्ति जाजन करे, यही शास्त्रों का विधान है। उल्टा ना करे। एषा बुद्धिमतां बुद्धि मनीषा च मनीषीनम जत सत्यम अनृते नेह मर्ते न अपनति अमृतम। इसीलिए इसी हिसाब का अनुसार विचार किया जाए, जो बुद्धिमान व्यक्ति, ये बुद्धिमानों में इसी को बुद्धिमान माना जाएगा। मनीषियों में उसको ही वास्तव मनीषी बोला जाएगा, जो दे दो दिन का जिंदगी में वास्तविक अमृत प्राप्त के लिए प्रयत्न करे, वास्तविक अमृत प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करे, यही उचित है, यही वास्तविक उचित है। दो पल का जिंदगी है। एषा बुद्धिमतां बुद्धि मनीषा च मनीषीनम जस सत्यम अनृतनियो। दो दिन का जिंदगी प्राप्त करकर एषा बुद्धिमतां बुद्धि मनीषा च मनीषीनम जस सत्यम अनृतनियो मर्त्येन अपनति अमृत। वास्तविक अमृत प्राप्त करने के लिए जो प्रयास प्रचेष्टा करे, इसी को वास्तविक बुद्धिमान माना जाएगा। अन्नाभिलाषित शून्य शुद्धा भक्ति निष्काम भक्ति। अब ब्रह्मादि का जो भक्ति वो सकाम, सकाम भक्ति का अंदर में भी एक निष्काम अवस्था है। भक्ति में ठाकुर कह रहे ये किताब का अंतिम में पांच श्लोकों के द्वारा वर्णन किया गया, बाद में आएगा ये, नहीं तो हम लोग का अंदर में एक उल्टा भावना आ जाएगा। ब्रह्मा जी का अगर सकाम भक्ति है तो हम लोग कहाँ जाए, ये विचार पैदा हो जाएगा। बद्ध जीवों का स्वरूप सिद्धि, बद्ध जीवों का स्वरूप सिद्धि नहीं होने तक ये थोड़ा सा सकाम भक्ति में एक प्रकार निष्काम अवस्था है, यही जरूरी है। बद्ध जीवों का सर्व सिद्धि नहीं होने तक यही सुलभ भजन है, इसका सुलभ माने फिजिबल करने का लायक, करने योग्य है, उतना करने का हिम्मत किसका अंदर में है। बद्ध जीवों का स्वरूप सिद्धि जीते जी ये जीवन रहते समय जीते जी अगर स्वरूप सिद्धि तक आगे बढ़े तो ये भजन सुलभ है, मतलब सहज साध्य है। सुलभ मतलब सुलभ माने सु माने अच्छा से मिलता, माने फिजिबल मिल सकता है। इसके बाद सात नंबर श्लोक चार लाइन का, ये सात नंबर श्लोक में हमने बताया था, अथो बेनु निनाद श्रोत्रयी मूर्ति मयि गति ही स्फुरन्ति प्रविवेश आशु मुखाभ जानी स्वयं भुव।
गायत्री गायतः तस्माद् अधिगतो सरोजज संस्कृतस्यादि गुरुना दियत्यम अगमत ततो। क्या बताया? बले अथो बेनु निनादस्य त्रयी मूर्ति मयि गति ही स्फुरन्ति देवाशु मुखाभिजानी स्वयं भव। गायत्रीम गायतः तस्माद् अधिगतो सरोजजः संस्कृतस्य आदि गुरुना दिजत्याम अगमत तथा। इसका माने क्या है? मानी ये है, ये मंत्रों लाभ करने का बाद भगवान का अंतरंगा शक्ति सरस्वती दिव्यो इनके द्वारा दी गई जो मंत्र है दिया गया, जो मंत्र है ये मंत्र जप करते करते क्या हुआ? तदंतर वेदमाति गायत्री परिपाटो श्रृंखल संगति कृष्ण भगवान को देखा है, भगवान को देखा है, अपना परिकर गणों के द्वारा परिवेष्टित है, गोपी गणों के द्वारा सेवित, जो हमने पहले बताया अथो तेपे स सुचिरम प्रणन गोविंदम अभ्ययम श्वेतदीपपतिम कृष्णम गोलोकस्तम परात्परम प्रकृत्ता गुण रूपिण्या पर्युपासितम सहस्रदल संपन्ने कोटि किंजल कुबृंहते भूमिश्चिंतामणिस्तत्वकर्णिकारे महासने समासीनम चिदानंदम ज्योति रूपम सनातनम शब्द ब्रह्ममयम वेणुम वादयंतम मुखम मुझे विलासिनी गणवृतम स्वयं स्वयं रंग स्वयं रविष्टुतम। देखा गया भगवान दिव्य आसन में विराजमान है, चिंतामणि भूमि सहस्रदल संपन्न कोटि केसर के द्वारा संवर्धित एक पद्म फूल विराजमान है। ये पद्म फूल का सेंटर पॉइंट में कर्णिकार में एक महाआसन विद्यमान है, तदुपरि इसका ऊपर चिदानंदो ज्योति रूप सनातन श्री कृष्णो समासीन विद्यमान है। आहा, इनके मुखारविंद से मुखाब्जों में शब्द वेणुमयम वेणु सुगीत गीतो अर्थात वेणु के द्वारा वेणु वादनशील भगवान का वेणु से अद्भुत संगीत निकल रहा है, एक अद्भुत संगीत निकल रहा है, मत पूछो। शब्द ब्रह्ममयम वेणुम वादयंतम मुखाम्बुजे विलासिनी गणवृतम स्वयं स्वयं रंगशयी रविष्टुतम। विलासिनी अपना सर्वशक्ति का प्रकाश है, विलासिनी गोपीगण के द्वारा परिवेष्टित है और निज निज अंश विलास रूप परिकर गणों के द्वारा अविष्टुत है। यही उपास्य वस्तु भगवान, यही उपास्य वस्तु भगवान गुणमयी रूप धारिणी, इसी उपास्य वस्तु कृष्ण को, इसी एब्सोल्यूट उपास्य वस्तु, ये परम उपास्य वस्तु कृष्ण को गुणमयी रूपधारिणी प्रकृति
बहुत दूर से, बहुत दूर से बाहर रहकर उपासना कर रही है, बहुत दूर रह के, क्योंकि माया देवी भगवान का सामने आमने सामने आ नहीं सकती। ब्रह्मा जी ये सब अपना अनुभव कर ली, ज्ञान चक्षु से दर्शन कर दी, दर्शन कर ली, और बाद में जो बताया ये जो अथो बेनु निनाद अश्वत्रयी मूर्ति गति, ये बेनु निनाद भगवान जो वंशी वादन कर रहे हैं, ये वंशी का धनी तीन रूप धारण करके अनंतर वेदमात्री गायत्री में परिपाटो सुशृंखल संगति कृष्ण का बेनु से स्फूर्ति लाभ हुआ के वेदमात्री गायत्री में परिपाटो एक अपूर्व संगीत श्री कृष्ण का बेनु ध्वनि से स्फूर्ति लाभ कर भगवान श्री कृष्ण का बेनु ध्वनि में वेदमात्र गायत्री में परिपाटो सुशृंखल संगति संगीत अर्थात एक कंपन कंपितो व संचलित होकर स्वयंभुव ब्रह्मा का चार मुंह है। ब्रह्मा का अगर चार मुंह है तो आठ कान है, ब्रह्मा जी का अगर चार मुंह है तो आठ कान है, आठ आंखें हैं, है स्वयंभू ब्रह्मा का आठ 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 कर्ण कुहर में प्रविष्ट होकर कर्ण है, स्वयंभू ब्रह्मा का कर्ण आठ किस्म का आठ कर्ण कुहर में प्रविष्ट होकर मुख पद्म में आप आ गया, क्योंकि हम लोग को जानकारी है आंखें कान और नाक तीन का लाइन जोड़ा हुआ है, आंखों में ड्रॉप दो तो गले में आ जाता है, कानों में ड्रॉप दो तो गले में आ जाता है, मुंह तो आठ कर्णों में, आठ कर्णों के द्वारा, आठ कर्णों के द्वारा भगवान का ये वंशी वदन जो गायत्री का रूप धारण कर ब्रह्मा जी का आठ आठ कर्णों में कानों में प्रविष्ट होकर क्या कर दी, मुख पद्म में प्रकाशित हो गया, पद्म योनि अर्थात ब्रह्मा। इसी गीतो निश्चिता गायत्री मंत्र प्राप्त होकर आदि गुरु भगवान के द्वारा संस्कृति लाभ करो तो द्विजत्व प्राप्त हुआ। जैसे हमारा समाज में नियम है जब बच्चा बड़े होते हैं 8 साल से 12 साल का अंदर उसका जन्मी संस्कार होनी चाहिए, इसमें जन्म संस्कार होने के बाद जो मंत्र दिया जाता है इसका नाम है ब्रह्म गायत्री। ये ब्रह्म गायत्री जो है, ये ब्रह्म गायत्री सुबह के समय में सविता तथा सूर्य देव का उदय का पहले जप करते करते अनोखा एक अनोखा अनुभव निकल आता है, हृदय में प्रकाशित हो जाता है। गायत्री कुछ नहीं है, एक वेद का वैदिक छंद्र है। गायत्री मतलब ये शब्दों का माने है जो गान करने से त्राण मिलता है, जो गान करने से त्राण मिलता है इसका नाम गायत्री, गाय है गायनात् त्रायते, जो गान करने से त्राण मिलता है इसका नाम गायत्री। सो
ब्रह्मा जी का आटो कर्ण कुहर में प्रविष्ट होकर मुख पद्म में प्रविष्ट हो गया और पद्मजोनि इसी गीत निश्चित गायत्री प्राप्त होकर आदि गुरु भगवान के द्वारा संस्कृति लाभ कर तो द्विजत्व प्राप्त हुआ। द्विजन्मो, एक जन्म है मैया का कोख से, ये मेटेरियल जन्म है, इसका बाद जो गायत्री मंत्र है द्विजो संस्कार, इसके द्वारा एक जन्म, और उसका बाद मंत्र मिलने से, दीक्षा मंत्र मिलने से वो चिन्मय है, जिसमें काम गायत्री आदि काम बीज है, हैं अष्टोत्थकर मंत्रराज है और सारे मंत्र है, दीक्षा के द्वारा अगर मिल गया और वो किसी ने गुरुचरण में वो एकांतिक भक्ति निष्ठा रखकर ये अगर गान करते चले, तुरंत इसको फल मिलेगा। हम लोग देखा बृहद भगवतमृतों में दस दक्षाक्षर मंत्र अष्टादश दोनों ही बड़ा गजब का मंत्र है, बहुत पावरफुल। ये मंत्र लाभ करने के साथ गोप कुमार मूर्छा चला गया, मूर्छा पे चले गए। तो आदि गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान के द्वारा आदि गुरु भगवान के द्वारा संस्कार लाभ करके अपना द्विजत्व द्विजन्मत्व लाभ किया। तात्पर्य ये है जे कृष्ण का मुरलीनाद, भगवान का जो वंशित धनी गुरुजी से भी सुना है, गुरुजी ने बताया देखो जो आज तब तुम गायत्री जप कर रहे हो, जो महामंत्र है, जो जुगल मंत्र है, जो वंशित धनी है, सब एक ही है, बाद में पता चलता है। ये जप करते 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 अंतिम में वंशित धनी सुनाई देता। तात्पर्य ये है कृष्ण का मुरली नाद सच्चिदानंदमय शब्द विशेष अप्राकृत शब्द ब्रह्म। सो इसी भगवान का वंशी निनाद में, मुरली नाद में सच्चिदानंदमय जो शब्द विशेष है, शब्द ब्रह्म अर्थात तमाम वेदों का जो आदर्श है, तमाम वेदों का जो आउटकम है, वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यः, ये जो बोला वेदों का, तमाम वेदों का आदर्श में, तमाम वेदों का आदर्श में ये वर्तमान जरूर है। तमाम वेदों का आदर्श में, तमाम वेदों का आदर्श में ये विद्यमान है। पहले बोला गायत्री एक वैदिक छंद है, ये और कुछ नहीं, एक वैदिक छंद है, एक वैदिक छंद है। एक वैदिक छंद है और ये वैदिक छंद है, और ये वैदिक छंद में संक्षेप एक ध्यान है, एक ध्यान का बारे में बताया गया, ध्यान और प्रार्थना है, एक ध्यान है और प्रार्थना है, एक ध्यान है, ध्यान
और प्रार्थना है। ये ध्यान क्या है इसका बारे में भी काल चर्चा करेंगे हम। ध्यान है एक प्रार्थना है। काम गायत्री तमाम गायत्रियों में श्रेष्ठ है, क्योंकि गायत्री ब्रह्म गायत्री जो है, ब्रह्म गायत्री वो एक है, बाकी दूसरा सारे गायत्री भी हो सकता है, लेकिन काम गायत्री तमाम गायत्रियों में सबसे अनोखा है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ, क्योंकि इसमें एक ध्यान और प्रार्थना, इसमें भी कि गायत्री मतलब है एक ध्यान एक प्रार्थना, एक ध्यान एक प्रार्थना, लेकिन ये जो काम गायत्री ये संपूर्ण चित विलास में ही, हमारा जो ब्रह्म गायत्री है ये ब्रह्म गायत्री के द्वारा एक प्रार्थना जरूर है, लेकिन इसका साथ जड़ जगत का कनेक्शन है, मतलब मेरे मेरा जड़ जगत का कनेक्शन, जो हमारा जो आशा आकांक्षा अन्य अभिलाष सारे जो डीप रूटेड है, सारे चला गया निचल, इसका मूल शिखर है, इसको धीरे धीरे उठाकर अलगा करके मेरे को लायक बना दे, ये ब्रह्म गायत्री का अर्थ है। लेकिन ये जो काम गायत्री ये संपूर्ण चित विलास में ही, इसमें कि जड़ जगत का कोई विशेष कुछ नहीं है। हम लोग गायत्री ब्रह्म गायत्री में, ब्रह्म गायत्री ओपनली बोलना भी निषेध है, फिर भी भूर्भुवस्व इसका बात धीरे धीरे मंत्र है उसका, और सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्व के, भर्गो कौन है और सविता कौन है, भर्गो देवस्व धीम, ये सब माने हैं जो भी है। तो ये संपूर्ण हमारा ये जो काम गायत्री संपूर्ण चित विलास में, अब ब्रह्म गायत्री में, ब्रह्म गायत्री भी, ब्रह्म गायत्री का बहुत पावर है ऐसा कोई नहीं, लेकिन फिर भी ये मेरे को जड़ जगत से उठाने के लिए व्यवहार किया जाए। और ये जो काम गायत्री संपूर्ण चित विलासमयी, और दूसरा कोई गायत्री, दूसरा कोई भी गायत्री ऐसा नहीं है, दूसरा कोई भी गायत्री ऐसा नहीं है, बराबरी नहीं है। अष्टोदशाक्षर मंत्रों का बाद जो गायत्री है ये काम गायत्री, अष्टादश अक्षर मंत्रों का बाद जो गायत्री मिलता है ये काम गायत्री। फॉलो क्या बताया, दशाक्षर मंत्र एक है और अष्टादश, दोनों ही गौड़ीय संप्रदाय चालू है, महाप्रभु का धारे में दशाक्षर मंत्रों का जप और हमारा गौड़ीय संप्रदाय में देखा जाए तो अष्टोदशाक्षर मंत्रों का दोनों ही अपराकित है, बहुत सुंदर है। और ये गायत्री भी का मंत्र भी बोलना उचित नहीं है, लेकिन क्या करें, व्याख्या करने के लिए बैठा है, पहले बीज मंत्र बताया, उसका बाद काम देवायो, उसका बाद जिसका ध्यान करे धीमोई जो पुष्प बनायो विद्महे हैं दिव विद्महे पुष्प बनायो धीमही तन्नु अंगो प्रचोदयात, इसमें बहुत गहरा विचार है। ये कृष्ण है, ये कामदेव है, अपराकित कामदेव, ये मेरे को आकर्षण करे। जड़ जगत में जो कामदेव है, जड़ जगत में जो कामदेव है, ये कामदेव जन्म लेने का बाद शरीर भरने का साथ साथ एक काम आ जाता है, ये जड़ जगत का काम है, ये प्राकृत कामदेव। और अप्राकृत कामदेव भगवान है,
भगवान का ओर, भगवान का ओर जितना खिंचावट महसूस करे, भगवान का ओर जितना खिंचावट महसूस करे उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा है। वी वॉन्ट टू बी अट्रैक्टेड बाय भगवान, ये सबसे बड़ा चीज है। भगवान के द्वारा आकर्षित अनुभव करना, इससे बढ़कर कुछ नहीं होता, सबसे बड़ा आश्चर्य चीज है। लेकिन ये जड़ जगत में शरीर बारने का बाद जब कैशर वयस पौगंड से कौशर लेकर धीरे धीरे आगे बढ़े जवानी, उसमें काम आ जाता है, प्राकृत काम। ये किसी को सिखाने का दरकार नहीं, अपने आप हो जाता है। बड़ा बड़ा होने का साथ साथ आकर्षण अनुभव करता है, इसका नाम है जड़ काम। इसका भी पुष्पवान है, ये जड़ काम का तीर धनु एक कटाक्ष चले और घायल हो जाता है, कोई मर्द घायल हो जाता है। और यहां ये जो पहले बीज मंत्रो, उसका बाद कामदेवायो, उसका बाद विद्महे, उसका बाद पुष्प बनाए, उसका बाद धीमोही और तौत नो अनंगो प्रचोदयात। एक गायत्री में श्री गोपीजनो वल्लभ का परिपूर्ण ध्यानांतर तदियो लीला का अध्यास, अर्थात ये मंत्र के द्वारा आदमी भगवान का लीला में भी प्रविष्ट हो सकता है। ये गायत्री में श्री गोपीजनो वल्लभ का परिपूर्ण ध्यानांतर तदियो लीला का अध्यास एवं वही अप्राकृत अनंगो लाभ का, उसी अप्राकृत अनंगो अप्राकृत काम के द्वारा अभिभूत होकर भगवान का ओर खिंचावट महसूस करना, ये जरूरी है। यही गायत्री में से कपिजनो वल्लभ का परिपूर्ण ध्यानांतर तदियो लीला का अध्यास एवं उसी अप्राकृत अनंग लाभ का प्रार्थना किया गया। चित जगत में इससे बढ़कर उत्कृष्ट रसाश्रित तो प्रेम चेष्टा और कुछ नहीं। अप्राकृत जगत में इसके इससे बढ़कर बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। चित जगत में इससे बढ़कर और उत्कृष्ट और रसाश्रित प्रेम चेष्टा और कुछ नहीं है। यही गायत्री ब्रह्मा जी का कर्ण कुहर कानों में प्रविष्ट होने का साथ साथ ब्रह्मा जी द्विजत्व संस्कार लाभ किया। द्विजत्व संस्कार उसका दूसरा जन्म लाभ हो गया, द्विजत्व द्विजन्मत्व द्विजत्व संस्कार लाभ करके इसी गायत्री गान करने लग गए, इसी गायत्री को गान करने में लग गए। जो जीव हम लोग बड़ा सौभाग्यवान है, हम लोगों का भाग्य बहुत, फिर भी तकदीर खराब है, क्योंकि ये अमूल्य रतन रत्न मिलने के बावजूद हम लोग खो बैठा। इसीलिए जो जो जीव जिन जिन जीवों का जिंदगी में जिन जिन जीवों का जिंदगी में गायत्री तत्व लाभ हुआ है, मतलब मिला है, ये लोगों का द्वारा अप्राकृत जन्म लाभ हो गया, पुनराय अप्राकृत जन्म, माने एक जन्म छोड़कर दूसरा जन्म अप्राकृत जन्म। ऑफकोर्स अगर वास्तविक हुआ तो आई बात समझ में, अगर वास्तविक रूप में यह मंत्र का आश्रय किया तो होता है, नहीं तो होता नहीं। ये लोग का पुनः अप्राकृत जन्म
ये पहला वाला छोड़कर शरीर अप्राकृत जन्मों लाभ होता है। जरबद्ध जीवों का माइक संसार, माइक ए मेटेरियल संसार में, जरबद्ध जीवों का माइक संसार में स्वभाव और वंशों का अनुसार द्विजत्व लाभ होता है। क्योंकि हम लोगों को मालूम है ये जड़ जगत में जो वर्णाश्रम धर्म का विभाग है, ये विभाग इसीलिए है कि जब तक बद्ध अवस्था में रहे, तब तक ये वर्णों और आश्रम का जो विभाग है साइंटिफिक रूप से फॉलो करना चाहिए। इसमें आत्ममंगल लाभ हो सकता है। जब तक जीव बद्धोवस्था में रहे ये वर्णाश्रम धर्मों का ही पालन करे, जब परमंश अवस्था में उतर जाए तो ये वर्णाश्रम धर्म कोई काम का नहीं रहा, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। गुण कर्म विभाग से उसको गुण और कर्मों का विभाग का अनुसार चतुर्वर्ण यहां सिस्टम गुण कर्म विभाग से तस्व कर्तारम ओपी विद्धिमाम अकर्तरम अव्यायम भगवान ने बताया। जरबद्ध जीव गुणों का माइक संसार का स्वभाव और वंश का अनुसार द्विजत्व लाभ होता है, गुण और कर्म का अनुसार। इससे बढ़कर अप्राकृत जगत में प्रवेश रूप द्विजत्व लाभ उत्कृष्ट। जब 8 साल का उम्र से 12 साल का अंदर जो हमारा जगत में जो द्विजो संस्कार का विधान है और गायत्री मंत्र मिलता है, जनेऊ मिलता है, इसके कई गुना अनंत गुण श्रेष्ठ है। ये जो अप्राकृत जगत में प्रवेश करने का लिए जो मंत्र मिलता है, जो द्विजत्व संस्कार लाभ होता है, ये उत्कृष्ट है, सबसे बढ़िया है। क्यों? चित विषय में दीक्षित होने का बाद जो द्विजत्व व अप्राकृत जन्म लाभ होता है, उसके द्वारा ही चित जगत प्राप्ति रूप जीवों का चरम महिमा। आप समझा नहीं, जड़ जगत में जो गायत्री मंत्र मिलता है, जो भगवान का नियम, भगवान का आदेश का अनुसार, भगवान का जो आदेश है, भगवान का जो आदेश निर्देश है, चतुर्वर्णों और आश्रम का जो विभाग है, इसमें ब्राह्मण संस्कार करने का बाद, जो जेन्युइन संस्कार करने का बाद जो गायत्री मिलता है, ये जो जगत का नियम है, इससे बढ़कर है, अनंत गुण श्रेष्ठ है। ये तो हमको सिर्फ ब्राह्मणत्व सिद्धि के लिए दिया गया, ब्राह्मणत्व सिद्धि हो जाए। हमारा ये जेन्युइन संस्कार है, कम से कम हमारा जिंदगी में ब्राह्मणत्व सिद्धि हो जाए, शूद्र तो ना रहे, क्षत्रियत्व वैश्यो और शूद्रत्व ना रहे, वैश्यत्व शूद्रत्व क्षत्रियत्व ना रहे, ब्राह्मणत्व में। लेकिन अप्राकृत जगत में प्रवेश करने का लिए जो हमको जो अप्राकृत गायत्री मंत्र मिलता है, काम गायत्री, इसके साथ जड़ जगत का कोई ताल्लुका है नहीं। वो गायत्री मंत्र प्राप्त करने के बाद आप ब्राह्मण हो जाए, कुछ भी करो, कुछ करो, लेकिन ये जो मंत्र है, ये जड़बद्ध जीवों का माइक संसार में जड़बद्ध जीवों का लिए ये माइक संसार में स्वभाव और वंश का अनुसार द्विजत्व लाभ होता है। इससे अनंत गुण श्रेष्ठ है, ये इससे बढ़कर है अप्राकृत जगत का
प्रवेश का अधिकार मिलने के लिए जो द्वितीयत्व संस्कार होता है काम गायत्री के द्वारा, ये अनंत गुण में श्रेष्ठ है, क्योंकि चित विषय में दीक्षित होकर मैं जड़ जगत का कोई नहीं हूं, मैं चिन्मय हूं, मेरा साथ जड़ जगत का कोई ताल्लुकात है नहीं, बस ये अपना कर्मफल के अनुसार मिला है। जो चित विषय में दीक्षित होने का बाद जो द्वितीयत्व अर्थात अप्राकृत जन्म लाभ होता है, इसके द्वारा चित जगत प्राप्ति रूप एक सुविधा मिलता है। दैट इज द एक्सट्रीम गेन फॉर ए जीव, एक जीव के लिए इससे बढ़कर लाभदायक फायदादायक अप्राकृत लाभदायक कुछ नहीं होता। अथो बेनु निनादस्यो त्रयी मूर्ति मयी गति स्फुरन्ति प्रविवेशासु मुखाब्जानि स्वयंभुवः। अथो बेनु निनादस्य अथो बेनु निनादस्यो त्रयी मूर्ति मयी गति स्फुरन्ति प्रविवेशासु मुखाब्जानि स्वयंभुवः। गायत्रीं गायतः तस्मात् अधिगत्तु सरोजजः संस्कृतश्च आदि गुरुणा दयत्यम अगमत्ततः। ये मोटा मोटी गायत्री मंत्रों का भी को थोड़ा काल व्याख्या कर देंगे भगवान का इच्छा के अनुसार, ठीक है। काल जब भी ओपनली बोलना उचित भी नहीं, लेकिन क्या करूं, ओपनली बोलना भी मंत्र उच्चारण करना भी ठीक नहीं, हर कोई के लिए नहीं है, इसलिए बोलने से मंत्रों का ओपनली डिस्कशन उचित नहीं है, निषेध है, गुरुजी निषेध कर दिए, फिर भी ये चर्चा करने बैठा तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। फिर आगे चलकर 28 नंबर मंत्रों में देखा गया तरिया तरिया प्रबुद्ध्य अथो विधिर विज्ञात तत्व सागर तुष्टावो वेद सारेण स्त्रोत्रेण अनेन केशवम। आई बात समझ में? तरिया प्रबुद्ध्यो तरिया प्रबुद्धो, ये जो त्रयी मयी गायत्री स्मरण के द्वारा प्रबुद्ध होकर ब्रह्मो ब्रह्मा जी तत्व सागर का अनुभव किया। तत्व सागर ये सिर्फ तत्व नहीं है, तत्व का सागर अवगत हुआ, तब भगवान श्री कृष्णों को सर्व वेदों का सार इस तप का द्वारा स्तुति किया था। त्रोई बोलने से वेद को त्रोई माना गया, ऋक्साम जजु अथर्ववेद बाद में आया, जो भी है ओरिजिनली त्रोई बोलता है वेदों को, ऋक्साम जजु ऋक्साम जजु अथर्ववेद बाद में, जो भी ब्रह्मा का चार मुखारविंद से चार वेदों का निर्गमन के बारे में प्रसिद्ध है, फिर भी ओरिजिनली ऋक्साम जजु ये तीनों का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसीलिए इस वेदों को त्रयी बोला जाता है। और तरिया तरिया प्रबुद्ध अथो विधिर विज्ञातो तत्व सागर तुष्टावो वेद सारेण स्त्रोत्रेण अनेन केशवम। भगवान ने खुद बताया वेदस्य सर्वे रहमो वेदो वेदविद वेदविद मैं हूं, वेदविद मैं हूं, मैं वेदविद मैं हूं, वेद का कर्ता वेदविद मैं हूं, सब मैं हूं। काम गायत्री ये जो
यही त्रयमयी तीन किस्म का सुर आता है इसमें। यही त्रयी मोही गायत्री का स्मरण के द्वारा प्रबुद्ध होकर ब्रह्मा तत्व सागर अवगत हो पाया। तब इसके द्वारा, ये मंत्रों के द्वारा कृष्ण को सर्ववेद स्वार इस तप के द्वारा स्तुति किया है। तात्पर्य ये है, काम गायत्री के स्मरण के द्वारा मैं कृष्ण का दासी हूं, दास नहीं। काम गायत्री में यही भाव है, अपराकृत कामदेव एकमात्र पुरुष है, हम लोग स्त्री है। काम गायत्री स्मरण के द्वारा मैं जो कृष्ण का दासी हूं, ये रूप बोध होता है। कृष्ण दासित्व जो महाप्रभु जी ने बताया था ना शिक्षाष्टक में, शिक्षाष्टक में क्या बताए, यही तो बताए। शिक्षाष्टक में क्या बताए, यही तो बताया, गोपी भरतूर पद कमल और दास उदासानुदासा, यही तो बताया। भगवान आश्लिष्य पदार्थाम पिनस्तुमाम अदर आश्लिष्य पदार्थाम पिनस्तुमाम अदर्शनान मर्मात करतु यथा तथा विधातुलंपट मत्मनाथा सुस्वाहिबर। ये सभी के द्वारा यही भाव महापुरुष शिक्षाष्टक में, अष्टकम में जो है भगवान का वंशीनाद में कृष्ण का, यही कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु। गायत्री में, काम गायत्री में जो कुछ है सब एक ही है। महामंत्रों में जो है उद्दिष्ट एक ही है, अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सेम एंड, तात्पर्य एक ही है। तो ये काम गायत्री स्मरण के द्वारा, मनन के द्वारा, जपन के द्वारा मैं कृष्ण का दासी हूं ऐसा बोध होने लग गया। कृष्ण दासित्व, कृष्ण दासित्व तो ये भाव में जो कुछ मिस्ट्री है, बाहरी विचार में कृष्ण दासित्व तो बोल दिया, ये कृष्ण दासित्व में जो कुछ रहस्य है वो अगर उस समय अनुभव में नहीं आया होगा, फिर भी ब्रह्मा का चिद अचित विवेक से तत्व सागर अवगति अर्थात अनुभव में आ गया। समस्त वेद वाक्यों इसी में स्फूर्ति प्राप्त हो गया, इनमें अर्थात ब्रह्मा जी का अंदर में समस्त वेद का तात्पर्य अनुभव में आ गया। इन्होंने अखिल वेदों का सार वाक्यों के द्वारा स्तप किया था। ये जो अनुभव का बाद, ये अनुभव का बाद उन अनुभव में अप्राकृत, ये जो काम गायत्री स्मरण के जो अप्राकृत अनुभव आया, अनुभव का बाद ब्रह्मा जी ने कुछ स्तप रचना की, अर्थात जिस तप के द्वारा भगवान को आराधना की, इस तप नित्य पाठ का योग्य है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने दक्षिण भारत से ये ब्रह्म संगीता का पांचवा स्कंद, पांचवा अध्याय ये लाया है। क्यों? इसमें ब्रह्मा जी ने जो देखा है, जो अनुभव किया है, इसका बारे में ब्रह्मा जी ने खुद बताया। चतुश्लोक की भागवत का बारे में जो आता है भागवत जी महापुराण में, ये भगवान का शिक्षा है, भगवान ने दिया है बाद में, ये भगवान ने ही दिया है। भगवान ने चतुश्लोक की भागवत में बताया ना, क्या बताया, ज्ञानम
परमं गुह्यम यद विज्ञान समन्वित, यही तो है और क्या, ये जो यही तो है ना, जे ब्रह्मा जी चित अचित विवेक से तत्व सागर अवगति अनुभव में आ गया, क्या है, यही तो है ज्ञानम परमं गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगंच ज्ञान गुदिजंग। ये जो कृष्ण दासित्व में जो कुछ रहस्य है ये छुपा के रखा है, उस समय ब्रह्मा का अनुभव में ये आया, ये तो अनुभव में आया है मैं कृष्ण का दासी हूं, उसमें और जो कुछ रहस्य है ठीक है चलो, ये अगर समझ में नहीं भी आया होगा फिर भी ब्रह्मा का चिदचित विवेक से तत्व सागर अपना अनुभव में आ गए। अर्थात ज्ञानम परमम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगंच ज्ञानगुदितम। आ जवान हम यथाभाव यद रूप गुण कर्म कह तथैव विज्ञानम अस्तुते मदनुग्रह। ये तो बताए ओम वासुमेवाग्रन्य सत्परम पश्चात हम जदे चच जब शिष्यते सोस्मी हम रीति अर्थम यद प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद विद्वात् आत्मनमयम यथावासु यथात्मा यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्चवचेषु अनु प्रविष्टान्न प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्न अन्नय व्यतिरेकाभ्याम यत्सत् सर्वतो सत्। अन्नय व्यतिरेकाभ्याम यत् जो कुछ भी है अन्नय व्यतिरेक रूप सब भगवान का है। अन्नय व्यतिरेकाभ्याम यत्सत् सर्वतो सर्वतः। और इसका बार बताया एतत् मतम, ये जो मेरा शिक्षा है, ये जो मेरा शिक्षा है, ये जो मेरा शिक्षा है मैं आपको दिया है, एतत् मतम समातिष्ठो सम्यक रूप में इसको ग्रहण करो। एतत् मतम समातिष्ठो परमेनो समाधिना विथ डीप मेडिटेशन, परमेनो एब्सोल्यूट मेडिटेशन का द्वारा। एतत् मतम समातिष्ठो परमेनो समाधिना भवान कल्प विकल्प सुन कल्प विकल्प से नौ विमुजित कर। इसको आश्रय लेने से ये तत्व सागर का आपका जिंदगी में सृष्टि रचना का विषय में व्यस्त रहने का बावजूद आपका जिंदगी में मोह प्राप्ति का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आपका जिंदगी में मोह प्राप्ति का कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। आई बात समझ में, आज मोह प्राप्त होने का समय। भगवान ने खुद बताया मेरा ये सृष्टि प्रपंच रचना का ये रजगुण का काम है, फिर भी ये बड़ा उद्वेगदायक सेवा है, फिर भी मेरा ये सेवा करते हुए भी आपका जिंदगी में मोह प्राप्ति होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एतत्मतम समातिष्ठ परमेन समाधिना भवान कल्पो विकल्पेशु न विमुह्यति करिचित। विमोह विमुह्यति विमोहन होना संभव नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं होगा। आई बात समय। और बाद में ब्रह्मा जी ने जो अनुभव किया है, दिव्यों ने ब्रह्मा जी ने जो अनुभव किया है, ये अनुभव ये अपना श्लोकों के द्वारा स्तप के द्वारा ये स्तप के द्वारा भगवान का चरण में अपना आभार प्रकट किए। चिंतामणि बकर सदमसु कल्प भिक्षु लक्षाकृते सुसुरवि रविपालयं तम लक्ष्मी सहस्र शतसंभम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। चिंतामणि पकर सदमसकल्प भिक्षो लक्षाभ्यते सुसुरवि रविपालयं तम लक्ष्मी सहस्र शतसंभम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मतलब लाखों लाखों कल्प भिक्षु के द्वारा आवृत ये चिंतामणि निकर गठितो सारे चत्तर प्रांगण
भवन गृह समूह सुरभित डेकोरेटेड एवं अजस्र काम धेनुगण को जो पालन करते रहते हैं इस गोविंद श्याम सुंदर गोविंद और एवं शतसहस्र लक्ष्मी गणों के द्वारा स्वादर प्रेम का सारा प्रेम का द्वारा परिशवित हो रहा है ये गोविंद यही आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता हूं। आई बात समझ में? लाखों लाखों कल्प वृक्ष के द्वारा आवृत चिंतामणि निकर गठितो भवन चत्तर प्रांगण सब कुछ समय सुरभि अजस्र कामधेनु के द्वारा एक कामधेनु को पालन जो कर रहा है और शतसहस्र लक्ष्मी इधर लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी का मतलब है गोपी लक्ष्मी लक्ष्मी का मतलब है गोपी शतसहस्र लक्ष्मी गणों के द्वारा स्वादर प्रेम सेवा में जो विराजमान है प्रेम सेवा के द्वारा ये आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन कर रहा हूं। चिंता चिंता मणि पकर सदम सु कल्प वृक्षो लक्षावृति सुसुरभि लभिपादयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शतसंवम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यहाँ चिंतामणि बोलने से ध्यान दे याद है ना हमारा ये पृथ्वी में स्पर्श मणि मिलता है जानते हो हमारा ये जगत में ये धरती पे सनातन गोसाई को स्पर्श मणि मिला था। स्पर्श मणि मतलब ऐसा एक मणि जिस मणि के अंदर में इतना क्षमता है कि लोहे का तो स्पर्श कर पारे सोने में बदल जाएगा। वैज्ञानिक लोगों में हैरान हो गया फिर भी उसको स्वीकार करना पड़ा। देयर कैन बी सच मेटल है ऐसा कोई हो सकता है कोई पत्थर जिसके द्वारा लोहे स्पर्श होने से सोने में बदल जाए अर्थात लोहे का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर गोल्ड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। यह संभव है हमारा शास्त्रों में भी है कि कंस माने कांसा रसो विधान योग्यता रसायन विक्रिया के द्वारा कंसो कांसा रसायन विक्रिया के द्वारा सोने में बदल सकता है ऐसा स्वीकार किया है वैज्ञानिक लोगों ने भी स्वीकार किया हमारा शास्त्रों में भी है जो रसो विधान योग्यता परिवर्तन हो जाता है। चिंतामणि का मतलब है जैसे स्पर्श मणि लोहे का सा स्पर्श करने सोने बदल जाता है ऐसे इतना ही यह पार्थक्य है। चिंतामणि चिंता के द्वारा जो सोचो वही हो जाता है। यहां चिंतामणि शब्दों में चिन्मय रत्नों या चिंतामणि शब्दों का माने हैं जो चिंता करने से ही वो सच हो जाता है। लेकिन ये चिंतामणि एकमात्र कृष्ण को माना गया चिंतामणि बोलने से कृष्ण को माना गया चिंतामणि कृष्ण है। और यहां जो चिंतामणि शब्दों का यूज किया है इसका माने है चिन्मय रत्नों। यहां जो चिंतामणि शब्द यूज किया है चिंतामणि पकर सदम सुकल्प चिंतामणि मतलब है चिन्मय रत्नों के द्वारा चत्तर प्रांगण प्रकार भवन सब चिन्मय चारों ओर जलाशय का चारों ओर दिव्य रत्नों के द्वारा
शानदार शोभा है। आह चिंतामणि शब्दों के द्वारा चिन्मय रत्नों समझना चाहिए, और चिंतामणि शब्दों में यहां चिन्मय रत्न छोड़कर और कुछ नहीं। माया शक्ति जय माया शक्ति जिस प्रकार जड़ो पंचभूत के द्वारा जड़ जगत गठन किया है, ध्यान दे माया शक्ति मेटेरियल पोटेंशियल के कारण मेटेरियल जड़ शक्ति के द्वारा ये जो प्रकृति का ये जो पंचभूत है, ये पंचभूत के द्वारा एक एक शरीर निर्माण है कि हाथी का शरीर है, हाथी का शरीर और हमारा शरीर सब जितना सारे शरीर है पंचभूत के द्वारा, ये मिट्टी खिति अपो तेज मरुद भूम भूमि राप अनलो खंग वायु हैं मजे भूमि राप अनलो, ये जो श्लोक है गीता में भूमि राप अनलो वायु खंग मन बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में प्रकृति रष्टता। माया शक्ति जैसे जड़ प्रपंच पंचभूत के द्वारा जड़ जगत का निर्माण किया है, चित शक्ति उसी प्रकार चित वस्तु रूप चिंतामणि के द्वारा चित जगत रचना किया है। इनमें साधारण चिंतामणि का अपेक्षा गोलोक धाम में भगवत आवास गठन सामग्री इंग्रेडिएंट, जैसे हमारा बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटा जरूरी है सीमेंट बालू, वहां सारे चिंतामणि के द्वारा ही गठित है। सो चित वस्तु रूप चिंतामणि के द्वारा चित जगत रचना हुआ है। इनमें साधारण चिंतामणि की अपेक्षा गोलोक धाम अर्थात भगवत आवास गठन सामग्री चिंतामणि और भी ज्यादा दुर्लभ है और उपादेय है। उपादेय माने वेरी, उपादेय माने यूजफुल और देखने का लायक चमत्कार है। उपादेय दुर्लभ और उपादेय है, दुर्लभ तो है ही है, उसका बाद उपादेय है। साधारण कल्प वृक्ष जो है, कल्प वृक्ष जो बताया यहां, कल्प वृक्ष का मतलब है ये जो साधारण कल्प वृक्ष क्या देता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप फल प्रदान करता है। साधारण कल्प वृक्ष धर्म अर्थ काम, काम माने कामना का जिस वस्तु चाहिए वो दे देगा, धर्म अर्थ काम मुख्य फल प्रदान करे साधारण कल्प वृक्ष। और कृष्णों का आवास भूमि गोलोक वृंदावन में जो कल्प वृक्ष है, ये प्रेम वैचित्र रूप अनंत फल देने में समर्थ है। प्रेम वैचित्र रूप, प्रेम वैचित्र रूप अनंत फल देने में समर्थ है। और साधारण कामधेनु दोहन करने का मात्र दुग्ध देता है, ना नहीं करेगी। और गोलोक का काम धेनु जो है शुद्ध भक्तगणों का खुदा तृष्णा निवृत्ति कारक चिदानंद श्रावी, चिदानंद श्रावी चिदानंद का चिदानंद श्रावी श्रवण जो निकालते हैं, चिदानंद श्रावी प्रेम प्रश्रवण, प्रेम प्रश्रवण रूप दुग्ध समुद्र सर्वदा क्षरण क्षरण करने में समर्थ है। अर्थात दानकारी कारिणी शुद्ध भक्तगण, शुद्ध भक्तों जीवों का जिसको गोलोक में स्थान मिला है और जितना सारे भक्त लोग हैं वहाँ भगवान का परिकर वैशिष्ट सब कुछ, शुद्ध भक्तों जीवगणों का खुदा तृष्णा निवृत्ति कारक चिदानंद स्वामी प्रेम प्रश्रवण रूप दुग्ध समुद्र सर्वदा शरण करते रहती है। लक्ष लक्ष सहस्य ये जो शब्द है, ये जो लक्ष सहस्र लक्ष्मी शतो सहस्र शब्यमानम लक्षावृतेषु, वह लक्ष
लखो यहाँ जो लाख है लाख 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 सौ सौ शतो ये जो शब्द ये सारे मैंने बहुत दिन पहले भी बताया था। इसका मीनिंग हजार लाख ये नहीं, इसका इना मीनिंग है अनंत। यहाँ लाखों लाखों सहस्र शतो ये सब शब्दों के द्वारा अनंत संख्यावाचक और संभ्रम वा स्वादर अर्थात प्रेम परिप्लुत होकर शतो संभ्रम सेव्यमानम या संभ्रम मतलब एवी नहीं है। जैसे संभ्रम का अंग्रेजी करो इसमें एवी आता है, एवी एक भय मिश्रित तो श्रद्धा एवी ए डब्ल्यू ई ये भय मिश्रित श्रद्धा है। लेकिन यह जो शतसंभम सेव्यमानम यह जो संभ्रम है ये संभ्रम ये संभ्रम है ये संभ्रम गोलोक धाम में संभव नहीं है। तो संभ्रम मतलब सादर, संभ्रम स्वादर आदर के स्वाद मतलब प्रेम परिप्लुत होकर ये संभ्रम का शब्द ही है। और लक्ष्मी शब्दों के लक्ष्मी शब्दों के द्वारा मैंने पहले ही बता दिया ये गोप सुंदरी, लक्ष्मी शब्दों के द्वारा गोप सुंदरी और कुछ नहीं। आदि पुरुष का अर्थ में जो सबका आदि है जिसका बारे में ब्रह्म संहिता का शुरुआत में बताया गया था ईश्वर परम कृष्णो सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण यही है आदि गोविंद। तो आदि पुरुषम मतलब गोविंदम गोविंद, आदि पुरुष मतलब गोविंद। इसके बाद ब्रह्मा जी का ये तो श्लोक गया, बड़ा सुंदर श्लोक हमने बताया। चिंता मनी पकर सद्म सुकल्प भिक्षो लक्षभिति सुसुरभि रविपालयन्तम् लक्ष्मी स्वस्व लक्ष्मी सहस्व शतसंभम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इसका व्याख्या मोटा मोटी हो पाए। काल गायत्री के बारे में मैं और बताने का इच्छा है जो भी है। और इसका बाद जो श्लोक है ये है बेनुम कनंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतंशमसितम बुध सुंदरांगम कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बेनुम कनंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतंशमसितम बुध सुंदरांगम कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये बताया इसका माने बेनुम कनंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतंशम असिताम्बुद सुंदरंगम कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम। क्या है ये जो मुरली गान और जो वंशी वदन कर रहे हैं भगवान मुरली ध्वनि कर रहे हैं, मुरली गान तत्पर वंशी में मुरली अलग होता है, वंशी मुरली मुरली छोटी छोटी वंशी छोटी मुरली मुरली गान तत्पर एक एक नाम है उसका। हाँ मुरली गान तत्पर और कमल दल का मापिक प्रफुल्लो चक्षु चक्षु आंखें कमल का मापिक तुलना किया गया और मयूर पुच्छ के द्वारा स्वर विभूषित है अपना जो मुकुट है अपना जो पागड़ी है मुकुट है उसमें शिखी पुच्छ है विभूषित है और जिनके देखने में लगता है कि नया बादल आसमान में उतार आया है नील मेघ का वर्ण सुवर्ण घनो श्याम सुंदर शरीर और करोड़ों 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 कंदर्पो करोड़ों करोड़ों कामदेव करोड़ों करोड़ों कंदर्पो मोहन विशेष शोभा के द्वारा जो विभूषित है
वही आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन कर रहा हूं। ब्रह्मा स्वयं कह रहा है, क्या कह रहे हैं, बेनुम करंत बरविंद दलायुताक्षम बरहावतंक्षम असितंबुद सुंदरंगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामी बेनुम कलंत मरविंद दलायताक्षम बरहावतंक्षम असितंबुद सुंदरंगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामी। इसका बारे में काल हम इस श्लोक का पूरा गहरा विचार करने का इच्छा रखते हुए आज यहीं अपना छोटा सा चर्चा का विश्राम रखे। हर दिन एक ही समस्या है, नेट का समस्या। बड़ा दुखी हूं मैं। आनंद लगता है जब भक्तों लोग सुनता है डायरेक्टली, अच्छा लगता है, क्या करूं। तो काल ये कठोर निषद का इस श्लोक का हम व्याख्या करेंगे। एतत एवाक्षरम ब्रह्म, एतत एवाक्षरम परम, एतत एवाक्षरम ज्ञात्वा यो जद इच्छति तस्तत बांचा कल्पतरुषि के पास सिद्ध भोच पतितानं पावने भो वैष्णवभ्यो नमो नमः।